वहीं उसी दोहे में लेके आराम उठे लखन निस्विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। लखन तो योगी है, वैरागी है, भोर में जल्दी जाते हैं। तो ऐसे लोग मुझे बड़े मलूक लगते हैं, बड़े बढ़िया लगते हैं जो भोर में बहुत जल्दी जाते हैं। इस आयोजन में आचार्य श्याम शास्त्री आए। इस आचार्य जी की मैं एक गुणवत्ता बता रहा हूँ, मैंने इतनी कोशिश करी इनको विद्यार्थी काल में जगाने के लिए, लेकिन मैं इन्हें कभी जगा नहीं पाया। श्याम शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ। और 4 बजे से पहले तो मैं किसी को जगाता ही नहीं, तो मैंने कोशिश करी, मैं 4 पहुंचा, 4:15 पहुंचा, 4:15 पहुंचा, लेकिन मैंने उन्हें स्नान करके तैयार पाया। ये गुणवत्ता है, ये विशेषता है कि मैं आचार्य श्याम शास्त्री जी की बात कर रहा हूं। गुण होना चाहिए। हमें भी हमारे गुरुकुलों में गुरुजनों के सामने भगवत कृपा से कोई जगह नहीं पाया। ऐसा नहीं किसी से कोई परमिट लेना था, प्रशंसा पत्र लेना था, नहीं। हमें पता है कि भोर में समय पर जागने के फायदे कितने हैं। नंबर 1, आंखों के नीचे कालिमा नहीं होगी। नंबर 2, माथे की बीमारी नहीं होगी, ये भोर में जागने की बात कर रहा हूँ। नंबर 3, प्लेटें कम नहीं होंगी। नंबर 4, डायबिटीज नहीं होगी। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। नंबर 6, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। नंबर 7, आयु कम नहीं होगी। नंबर 8, भगवान का भजन कम नहीं होगा। नंबर 9, देवताओं के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। और नंबर 10, पापों की वृद्धि नहीं होगी। नंबर 11, ईश्वर की गोद मिलेगी। नंबर 12, ये लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ये भोर में जागने की महिमा। भले ही कोई काम नहीं है, फिर भी सुबह समय से जागे, 5-6 घंटे में अपनी नींद पूरी कीजिए। सोने के लिए 10 बजे सो जाते हो तो 4 बजे जग लो, 10:30 बजे सो जाते हो तो 4:30 जग लो। लेकिन मुझे पता है 11 से पहले आप सोते नहीं है। आप 11 बजे सो जाते हैं तो हर हालत में 5 बजे अपना बिस्तरा छोड़ो। 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद भी लेनी है। आपका स्वास्थ्य अद्भुत होगा। लखन लाल खड़े हो गए, लक्ष्मण खड़े हुए तो राम जी खड़े हो गए, गुरु जी सबके बाद में खड़े हुए। ये अश्रद्धा ना हो कि हम जग गए हैं, गुरु जी अभी धरे सो ही रहे हैं। ये अश्रद्धा ना हो कि बहू कहे हम जग गए, सास अभी जगी ही नहीं है। समाज को एक संदेश दिया जा रहा है, राम कथा के द्वारा प्रभु खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान ने क्या किया, नित्य कर्म किया, सोच गए। इसके नीचे की चौपाई में लिखा है सोच गए। बिना सोच जाए कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। बिना सोच किए आप नहा लोगे तो नहाने के बाद भी अपवित्र माने जाओगे, ना कोई व्रत लगेगा ना कोई पूजा लगेगी। भले ही पेट खाली नहीं हो रहा है, पेट खाली होगा, दही में एक भूसी आती है, वो क्या कहते हैं, आसम गोल कहते हैं उसे, हा? सीसम गोल, ईसम गोल, हाँ, उसको दही में डाल करके लिया जाता है, वो बड़ा फायदा करती है। अजवाइन, काला नमक रात को सोते समय ले लो, सोए पेट खाली हो जाता है। भुना हुआ चना थोड़ा गुड़ के साथ रात को सोते समय ले लो, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी लो तो सुबह पलीता नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत लोग तो पलीता लगाते हैं, चाय गर्म पिएंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पेट खाली हो जाए। 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं, एक है बेईमानी और एक है बीमारी। इसलिए पेट को ठीक रखिए, उतना ही खाइए जितनी मशीन पचा रही है। अब अंदर का तंत्र कमजोर हो गया है और अभी आप भी 40 साल वाला भोजन करते हैं,
तो संभव नहीं है, उतना ही खाइए जितना पच सके। आइए कितनी प्यारी चौपाई है, सकल सोच कर सकल सोच कर जाए बाद में मेरे प्रभु ने स्नान किया और रोज की तरह भगवान ने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज्ञा भी दी। चार जनों की बात काटी नहीं जाती, माता पिता गुरु और भगवान। गुरुदेव ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी कि पूजा के लिए प्रसून यानी फूल लेने के लिए चले जाओ। तो लेन प्रसून चले दो भाई, पूजा के लिए फूल लेने के लिए दोनों भाई राजा की वाटिका की तरफ चले, आज्ञा लेकर के गए। बड़ा भाग्य है गुरुजनों की सेवा मिले, ये तो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो गए। गोवर्धन गिरिराज जी के पास में एक जगह है चंद्र सरोवर, अभी आप वहां जाना, यहाँ बंगाली बाबा रहते थे। थोड़ी पुरानी बात है, बड़े अच्छे महात्मा थे बंगाली नाथ, बंगाली बाबा। एक बाबा ठाकुरदास भी यहाँ रहते थे, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुआ वहां हुए हैं। तो वही स्थान है जहाँ सूरदास जी ने अपना ग्रंथ 125,000 पद वाला सूर सागर ग्रंथ यहीं लिखा, तो वो जगह। मुझे यहाँ एक महात्मा की 3 महीने तक सेवा करने का मौका सौभाग्य, अद्भुत महात्मा। 3:30 बजे जगते, उनके जागने से पहले कुएं से पानी खींच करके भर करके रख देना हुआ। हम लोगों को उस महात्मा का, उन महात्मा का आशीर्वाद मिला। तुलसी लाना, फूल पत्तियां लाना, आज भी वो सब बातें याद आ जाती हैं कि आशीर्वाद बड़ा काम कर रहा है। गुरु जी ने आदेश दिया और भगवान लक्ष्मण को लेकर के महाराज जनक की वाटिका, जिसका नाम है अशोक, जिसका नाम है पुष्प वाटिका। रामायण में 2 वाटिका है, एक रावण की वाटिका है जिसका नाम है अशोक वाटिका, एक महाराज जनक की वाटिका है जिसका नाम है पुष्प वाटिका। भक्ति से मिलना हो तो भी वाटिका में जाना पड़ेगा और भगवान से मिलना हो तो भी वाटिका में ही जाना पड़ेगा। माता जानकी भगवान का दर्शन करती है तो वाटिका में करती है, हनुमंत लाल जी भक्ति का दर्शन करते हैं तो अशोक वाटिका में हनुमान जी दर्शन भक्ति माता का करते हैं। ये वाटिका क्या है, ये संतों की सभा है, ये महापुरुषों का सानिध्य है। भक्ति का दर्शन करना होगा तो भी तुम्हें महापुरुषों का सानिध्य लेना पड़ेगा और भगवान का दर्शन करना होगा तो भी तुम्हें महापुरुषों का सानिध्य ही लेना होगा। महाराज जनक की वाटिका सुरक्षित बनी रही, लेकिन 10 के अंदर रावण की अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक वाटिका योगी की है और एक वाटिका भोगी की है। जो वाटिका योगी की थी वो सलामत सुरक्षित बनी रही, लेकिन जो वाटिका भोगी की थी, बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने उसको खदेड़ करके रख दिया उसको।